अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जैसे सपोज मुझे आती है कि मैंने अभी आप रब किया और मैंने 100 जगह वही आप हाथ छू दिया। हम लोग हर बार हाथ धोते हैं क्या? छूने से पहले धोते नहीं, प्रैक्टिस है हमारे। कोरोना के टाइम पहले भी छूट गया क्योंकि हमारे से मजबूर है कि कितने बार हाथ धोने बोल करके, है ना। तो सपोज अब मुझे आपकी आई और मैंने वैसे जा करके आपसे हैंडशेक कर लिया, मैंने हाथ मिला दिया, अरे कैसे हो, बहुत दिन बाद दिखे, प्रेम आ गया हमको, हाथ हाथ मिला लिया, ठीक। आपको उस टाइम पर हो सकता है उस टाइम पर सिम्टम नहीं देते, तो आंसू नहीं आते, लालपन नहीं था, तो आपको मेरा हाथ ठीक हूँ और आपने वो हाथ अपने आँख में लगा दिया, क्या हुआ? मेरा बैक्टीरिया आपकी आँख में पहुँच गया, है ना। कल को अब मुझे जब लालपन आएगा तो मेरे आपसे आसना शुरू होगा, सेम आपको भी सिम्टम आएगा और ऐसे ही ट्रांसमिट होगा, ठीक है। हम अपनी आँख में आँख उजा उजा करके जहाँ भी सर्वस को छूते हैं ना, वहाँ पर जब कोई और जाके उसे सर्वस को छू देता है तो ये आपको ट्रांसमिट होगा, ठीक है। ऐसे ही फैलता है, आंख में देखने से कुछ नहीं होगा। फिर अगर आप छींक खांस रहे हैं एकदम ओपनली तो बैक्टीरिया आपके पास आएगा, उस केसेस में ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यही सोचे अभी इसको आपके आंखों से मैं देख नहीं सकता, ऐसे नहीं चलेगा। फिर घर पे किसी को भी तो सुनकर देखो कि वर्कआउट कर लो कि कम सो कि तुम तो आगे आगे अब तो अलग हो जाता, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और धूल से बचने के लिए तेज रोशनी से अपने खुशबू आंखों से बचने के लिए अपने काला चश्मा पहनते हैं। यानी तो जैसे मुझे आंख भाई और मैंने गलती से मैंने हाथ ऐसे कर दिया तो उसके बचाव के लिए हम लोग चश्मा पहनेंगे। चश्मा नहीं पहनेंगे तो अपन अंदर हाथ में डालना पाएंगे ना, इसलिए ये सब अपने चश्मा के चश्मे में पहनते हैं। तो जब भी आपको ऐसे लग रहा है कि किसी को आँख आई है तो ऐसा आप उसकी आँखों में देखने से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, पर अगर आप उसके पास जा रहे हो मिलने के लिए, हाथ लगा कुछ भी करा, है ना, ठीक है, हाथ पाठ मिला है पर उसके बाद हैंड सैनिटाइज जरूर करो, ठीक है, उसकी कॉन्टेक्ट में ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। ये सब चीज़ों का मन को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर वो कुछ यूज कर रहा है जैसे उसने पानी पीला है उसको लेकर किया तो वो यूज नहीं करना है, उसके बचाव में मन को रहना, ठीक है। तो अब आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, क्या पॉसिबल जगह है जो आपके कॉन्टैक्ट में आ सके, क्योंकि लिफ्ट का बटन सब लोग एक जगह प्रेस करते हैं ना, वहां से आ सकता है जब उसको छू रहे हैं। इसके पहले अपनी हाथ अपनी हाथ को अपने फेस पे लगाए, हाथ सैनिटाइज कर लीजिए, ठीक है, बस वही कीजिए, है ना। हम लोग को भारतीय कोई अच्छी चीज सिखाइए, नमस्ते, उसी को फॉलो कीजिए, ट्रांसमिशन होगा ही, क्लियर है ये सारी चीजें। हम लोगों को हो जाएगा तो ठीक, नॉर्मली हो जाता है, लेकिन अगर आपको इरिटेशन है या बहुत ज़्यादा आंसू आने की तकलीफ हो रही है आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ड्रॉप्स भी डलवा सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप्स आपको रेकमेंड कर दिया जाएगा, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हाँ फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज कीजिए अपने हाथ को, ठीक है, हाथ पाथ मिलाना अवॉइड कीजिए। जो चल रही है किस तरह की बीमारी है और जिला अस्पताल में किस तरह के मरीज आ रहे हैं अभी, इसके क्या कहेंगे? ये बरसात ऋतु के समय पर कुछ जो वाटर बॉर्न डिसीजेज होती हैं और वायरल डिसीजेज हैं कुछ बढ़ जाती हैं। उसी तरह से अभी दौर जो है कंजंक्टिवाइटिस का बहुत चल रहा है, जिसमें अपनी देसी भाषा में आँखों का आना कहा जाता है। ये कंजंक्टिवाइटिस एक दूसरे से कंटीजियस डिसीज़ है, एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। इसमें आम जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आँखों में कोई भी ड्रॉप अपनी मर्जी से ना डालें, डॉक्टर की सलाह पर डालें। इसमें स्टेरॉयड नहीं डालना चाहिए, एंटीबायोटिक ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं,
लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए। तो इसलिए आम जनता को एक तो हाथों को बार बार धोना, गंदे हाथ आँखों पर ना लगें, या अगर हैंड कर्चीफ यूज़ करते हैं तो वो अपने पास ही रखें पर्सनल, उसको फैमिली मेम्बर शेयर ना करें, टॉवेल वगैरह फैमिली मेम्बर शेयर ना करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, तो ये बीमारी दो तीन दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर और समस्या कुछ होती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए और उसके अनुसार उसका उपचार लेना चाहिए। सर अभी अस्पताल में इस जो बीमारी के कितने मरीज आ रहे हैं अभी? हाँ, निश्चित रूप से अभी हमारे पास में 20-30% केसेस बढ़े हैं इसके कंजंक्टिवाइटिस के, लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक हैं, दवाइयाँ हैं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक सर।